मरी मरी बन डोंगा गली नथे गली क्वाई सुग्रां रान रात लाहौर से निकले, सुबह मरी पहुंच गए, होटल बुक किया, थोड़ी सी मटर गश्त की, खाना खाया और सो गए। सुबह वाक के लिए निकले तो मरी की सुबह शादी वाले घर में तेल मेहंदी से अगली सुबह जैसी थी। थकी थकी, सूनी सूनी, मगर सजी सजी और खुश खुश। आशिकों की बहुतात ने मरी को नकचड़ी कर दिया है। नकचड़ियत सानू की एक दिन रहे ते अगे गए। ₹1,000 फीकस दाखला फीस है और इस दाखला फीस का बेहतरीन मसरफ 16 इंच का पिज्जा है जिसकी कीमत ₹2,000 है। इसके अलावा कोई और डिश ट्राई ना करें। बारहा के तजर्बे की बुनियाद पर मशवरा है, हुक्म नहीं। गलियात में एक अच्छा दिन गुजारने के लिए पीसी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। दाखला फीस की बाकी रकम से हमने शाम की चाय पी। पीसी से रुखसत हुए तो रात डोंगा गली में क्याम किया। डोंगा गली बड़ी कमाल की जगह है, मरी और नथिया गली से बेहतर है कि अपना क्याम यहां रखें। कम खर्च और बाला नशीन। पाइपलाइन ट्रैक वॉक के लिए बेहतरीन है, महफूज है और हमवार है। जगह जगह रेन शेल्टर बने हुए हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए छोटी कंटीनें मौजूद हैं। पाइपलाइन ट्रैक एक पहाड़ी जंगल शो है। आप महफूज ट्रैक से सरसब्ज़ो शादाब वादी का नज़ारा करते हैं। यहाँ अक्सर बारिश मिल जाती है, रेनकोट साथ रखिएगा।
इस उम्र और वजन में इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। डोंगागढ़ की एक और खूबी है मुशपुल। जहां तक जा सकते थे गए, वापसी का रास्ता लिया कि वक्त और हिम्मत कम थी। डोंगा गली से नथिया गली सिर्फ 5 किलोमीटर है। केवाई वाटरफॉल की चाय और पकौड़े मजेदार हैं। पानी में पांव डालकर लुत्फ को दुबाला करें। शुक्रा खूबसूरत है, एक ख्वाब नगर है। यहां आओ तो फिर यहां से जाने को जी नहीं चाहता। दिल की क्या बात है, दिल तो है नादा जाना। राफ्ट के मुतल्लिक तमाम खदशात को मुकम्मल फरामोश करके हमने राफ्टिंग का प्रोग्राम बना लिया। देखो राफ्टिंग खतरनाक है। सवार हुए तो हमें 3 हदायत दी गई। नंबर 1, राफ्ट से मुंसिक रस्सी को किसी सूरत नहीं छोड़ना। नंबर 2, हंगामी सूरत हाल में अगर रस्सी छूट जाए तो हाथ में पकड़े हुए चप्पू को हवा में बुलंद करने की कोशिश करना। नंबर 3, अगर ये 2 काम भी ना कर सको तो किनारे की तरफ आने की कोशिश करना। और अगर 3रा काम भी ना हो सके तो फिर आप समझदार हो। याद रहे कि राफ्ट एक हवा की ट्यूब है, कश्ती नहीं है, जिसका फर्श ब्राय नाम है। आपके कपड़े जूते सब पानी से भीग जाते हैं। मैं राफ्टिंग के लिए पेश था, मगर मुझे ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि सबसे ज्यादा मैं ही डरा। मुझे अपने से ज्यादा अपने साथियों की फिक्र थी, जिन्होंने ना चाहते हुए भी मेरे साथ राफ्टिंग की हामी भरी। राफ्ट पे खालिद साहब का फिल बदी बेलाग तबसरा तो आपको याद ही होगा। तो कोई हाथ पाने की जगह है नहीं। यार एक टाइम हंस दे मेरी गल्ला।